चुनाव का दौर हो और नेता बड़े बड़े और नए नए और दिलचस्प बयान ना दें, ऐसा हो नहीं सकता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जोर शोर से चल रहे हैं। इसी कड़ी में आज फरुखाबाद में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इस बयान में उन्होंने किसी भी विपक्षी पर तंज नहीं कसा है, लेकिन फिर भी उनका ये बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। सलमान खुर्शीद इन दिनों फरुखाबाद में अपनी पत्नी खुशी के लिए नुक्कड़ सभा करके जगह जा रहे हैं। शहर में प्रचार के दौरान उन्होंने एक बयान में कहा है कि टाइगर अभी वो टाइगर अपने आप को लोगों के सामने बताए हैं और कह रहे हैं अगर आप लोगों को तो ये टाइगर उनके लिए जिंदा है। यानी नुक्कड़ सभाओं में सीधे और अपने आप को टाइगर कर लोगों के सामने अपने आप को पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। हालांकि ये बयान अभी पता नहीं चल पाया है कि फरुखाबाद है, लेकिन ये इन दिनों लोगों की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों को देख कर भी कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है। पूरा बयान आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे नुक्कड़ सभा में उन दिनों ये बयान उनका सुर्खियों चला है, तो आगे सुनिए उनका ये बयान। यूपी टीवी न्यूज फरुखाबाद। वाले ने पूछा था कि क्या हाल है आपका, तो मैंने जवाब में ये कहा था टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है और जब तक टाइगर ये जिंदा है, खूनी खंजर हो चाहे गोली हो, कोई कुछ कर ले, कोई जाल फेंक दे, कोई खाई खोद डाले, कोई कुछ कर ले, लेकिन टाइगर की जान फरुखाबाद के लिए है। फरुखाबाद जान मांग लेगा तो टाइगर दे देगा जान। आपसे हाथ जोड़कर यही इल्तिजा करनी है कि लोग आए मेरे पास और मुझसे फरुखाबाद के वोटों का क्या करें, फरुखाबाद के वोटों का हिसाब ना ले, बल्कि फरुखाबाद वोटों का आकर सौदा करना चाहें। तो मैं सिर्फ एक ही बात करता हूं, अब मैं सौदा करूं तो कैसे करूं, मैं तो दिल ले चुका हूं। जब दिल नहीं होगा तो मैं किस काम आऊंगा तुम्हारे सौदे के। अगर फरुखाबाद के लोग खुलकर कह दे, किसी नशिस्त बैठक में कह दे कि हमें तुम्हारी जान चाहिए, तो मेरी जान तुम पर निछावर है। बस ऐसा ना कहना, बस ऐसा ना कहना कि तुम्हारी जान की कोई हमारे लिए अहमियत नहीं, तुम्हारी इश्क की हमसे जो भी इश्क है किया है उसकी कोई अहमियत नहीं। अगर आप ये बात कभी सोच भी लेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं वहीं पर मेरी जिंदगी का खत्म है, आखिरी पड़ाव है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बता दो अब फरुखाबाद को, अब बता दो कि हमारा क्या रिश्ता है, अब बता दो कि हमारी जिंदगी की क्या कहानी है, अब बता दो कि इस कहानी को एक बार फिर पहाड़ पर ले जाकर पहाड़ की ऊंचाइयों से हमें ऐलान करना है, पूरे हिंदुस्तान से ऐलान करना है कि हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान एक रहे। ये फरुखाबाद का है फरमान कि हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई कानपुर से यहाँ आए।